That's so amazing because आप किसी और यूरोपियन कंट्री देख लो, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, आपको जर्मन भी सीखनी पड़ती है, इतने ज्यादा स्टेप्स होते हैं, आपको विद जस्ट इंग्लिश एंड दीज स्टेप्स यू कैन गेट इट. सो अमेजिंग भाई. So hey guys, once again today it's an honor to introduce a student from University of LUND Sweden, that is like top university of Sweden or top matlab pure world mein bhi dekha jaye, it is recognized top 35 all over the world for computer science and business as well. So hi Sahil, can you please introduce yourself? Hi Anu, mere naam Sahil hai. I come from a small town in the northern part of India, it's called Faridabad. Right now I'm doing my masters from a university in Sweden. It's called Lund University. It's ranked among the top 100 universities in the world overall. And 35, I think top 35 for certain programs. So I'm currently doing my master's. क्या बात है? So can you share about your background? तो आप जब आप apply कर रहे थे, तो why you kept this university in your mind as compared to US? तो पहले background था। हाँ, तो यार मैंने basically अपना undergrad एक tier 3 university से किया था इंडिया में, in computer science. And मैं 2016 में pass out हुआ था. After that, for the last 4 years, I was working in product management. So that was my background. Going to US, right now, तुम्हें पता ही है कि US थोड़ा tricky है मामला, right? पता नहीं वहाँ पे visa का system क्या लगेगा और क्या नहीं. Plus यहाँ पे I thought कि यहाँ पे university में को काफी अच्छी लग रही थी. This program I personally liked, which I'm studying here. So मैं basically यहाँ पे एक masters in entrepreneurship and innovation करके course है. I'm studying that. तो मुझे प्रोग्राम अच्छा लग रहा था एंड प्लस यहाँ पे स्टे बैक के अपॉर्चुनिटीज अच्छे होते हैं इन सर्टेन यूरोपियन पार्ट्स, मतलब स्वीडन में इन पर्टिकुलर. तो मेरे को लगा कि यार ये बेटर ऑप्शन है यूएस, अभी मेरे को इधर जुआ लग रहा था, मेरे को वो खेलना नहीं था अभी. Oh, absolutely agree. You don't get the sense of security you get in Europe. Europe में आपको 2 साल कोर्स करो तो 2 साल का परमिट मिलता है, right? Frankly, जर्मनी में 18 महीने का मिलता है, यहाँ पे 1 साल का मिलता है. तो यहाँ पे तुम 1 साल का कोर्स कर रहे हो, 2 साल का कोर्स कर रहे हो, तुम्हें 1 साल का स्टे बैक पीरियड मिलता है. फ्रैंकली स्पीकिंग, स्वीडन के लिए कुछ महीनों पहले तक इट यूज्ड टू बी 6 months, बट इन जनवरी इट वाज रिवाइज्ड टू 12 months. तो ये भी रिसेंटली कुछ चेंज हुआ है, जो कि पहले 6 महीने हुआ करता था. Now let's get started with the application process for universities in Sweden. So US mein jaise hota hai ki you have to take GRE and you have to take TOEFL etc. So did you have to take GRE as well? So नहीं, स्वीडन में पढ़ने के लिए जीआरई की जरूरत नहीं होती है. दैट वाज एक्चुअली अनदर रीजन दैट आई चोज स्वीडन, बिकॉज जब मैंने सोचा था कि बाहर पढ़ने जाना है तो जीआरई का पढ़ने का थोड़ा टाइम पीरियड कम बचा था. तो स्वीडन में जो प्रोसेस रहता है इट्स काइंड ऑफ सिमिलर टू ऑल द यूरोपियन कंट्रीज. सो मोस्टली से इफ यू गो टू नेदरलैंड्स और फ्रांस, शायद जर्मनी में थोड़ा अलग रहता है, पर यहाँ पे प्रोसेस काफी स्टैंडर्ड रहता है दैट यू अप्लाई. Usually all the countries have a common portal. जैसे यहाँ पे universityadmissions.ac करके common portal होता है, यहाँ पे तुम जाते हो अपना account बनाते हो and then they ask you for certain documents. Mostly certain documents common रहते हैं and then they might ask you for certain documents depending on your course. So for example, जब मैं apply कर रहा था यहाँ पे, so they asked me for my statement of purpose कि ये course क्यों पढ़ना है. एक CV पूछा था, IELTS का score मैंने लगाया था. एंड मोटा मोटा यही सब तीन डॉक्यूमेंट्स ही लगे थे जब मैं अप्लाई कर रहा था वहाँ पे. इसके अलावा अगर तुम किसी और सर्टन कोर्स के लिए जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस, जहाँ पे तुम्हारा प्रीवियस बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो दे इन दैट केस दे माइट आस्क यू फॉर सर्टन सब्जेक्ट्स जो तुमने अपने अंडरग्रेड में पढ़े हो, ताकि इट कैन सपोर्ट यू फॉर योर मास्टर्स एप्लीकेशन. एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा कॉमन, थोड़ा जेनरिक सा कोर्स होता है, सो एवरीबॉडी कैन अप्लाई फॉर इट. सो इन दैट केस मैंने सिर्फ अपना मार्कशीट लगाया था, सो इन दैट केस इट वर्क्ड, बट हो सकता है कुछ सर्टेन केसेस में दे माइट आस्क यू फॉर सर्टेन स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स एज वेल. वाओ, देन व्हाट वाज द लाइक आउटस्टैंडिंग फैक्टर इन योर एप्लीकेशन दैट यू गॉट इन? क्योंकि लाइक एक जीपीए हो गया, देन यू ओनली गेट जीपीए एंड एक्स्ट्रा करिकुलर्स, तो हाउ यू थिंक यू गॉट इन? क्या एसओपी था? व्हाट वाज द रीजन दे एक्सेप्टेड यू? फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा जीपीए थोड़ा कम था एंड प्लस आई वाज कमिंग फ्रॉम अ टायर 3 यूनिवर्सिटी. I think a couple of things which added in my favor were my extracurriculars. So for example, Bangalore mein bahut famous World Startup Expo hota hai. I was invited to be one of the panelists on that particular discussion. Bangalore mein college hai jahan pe ki mujhe ek pre TEDx event ke liye bulaya gaya tha to speak about. So all these certain small factors I think added to my profile. Plus obviously
when you, I guess, in mere particular program ke liye, because it's an entrepreneurship course, so they try to have varied set of individuals in the class. Mostly, jo log Europe se padh ke aate hain, they're more inclined towards studying business. Mera background computer science mein tha, so I thought that might have added certain things in my favor. Yeah, and on the top of that, you were really interested in project management, but why didn't you choose for MBA as compared to entrepreneurship? Because zyada jinne bhi project management career banana hota hai, like they want to, you know, unka goal hota hai in India, they want to become project manager of iPhone. Taki if they sell more iPhone, unhe credit mile. They become really rich if you become project manager of iPhone or any phone or any device. So that's the goal they keep in mind. Then why didn't you go for MBA? Frankly speaking, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं, मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर रहा था. थोड़ा सा डिफरेंट फील्ड होता है वो. इसके अलावा मेरा थॉट ये था कि इवन इफ आई कम फॉर एन एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स, सो दे विल आस्क अस टू वर्क ऑन अ प्रोडक्ट आइडिया और समथिंग विच विल प्रॉम्प्ट अस टू मेक अ कंपनी. सो अगर मैं कंपनी स्टार्ट कर पाया तो बहुत बढ़िया, लाइक अगर नहीं कर पाया तो एनीवे आई वुड बी वर्किंग ऑन अ प्रोडक्ट, तो मैं अपने फील्ड से मेंटेन रहूंगा. प्रोडक्ट मैनेजमेंट में मास्टर्स अभी बहुत पॉपुलर नहीं है, लाइक आई जस्ट नो कि CMU में एक कोर्स होता है इफ यू वांट टू डू मास्टर्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट. इसके अलावा जो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज होते हैं वो मैकेनिकल के प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब वो काइंड ऑफ मैकेनिकल या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मैनेजमेंट्स होते हैं. डिजिटल प्रोडक्ट मैनेजमेंट के कोर्सेज एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो सो इन दैट वे. पर ऑल्दो MBA में सर्टेन स्पेशलाइजेशंस होती हैं, लाइक दे हैव स्पेशल कोर्सेज दैट यू कैन टेक फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट. मैंने इसे चूज नहीं किया बिकॉज MBA मोस्टली फ्री नहीं होता है, एंड जब मैं यहाँ पे आ रहा था मुझे पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिल गया था, तो मुझे मेरा जो ट्यूशन फी था वो वेव ऑफ हो गया था. MBA किसी भी अगर टॉप स्कूल में जाओगे तो तुम हो सकता है तुम्हें थोड़ा फाइनेंशियल एड दे दे वो, पर उसके बाद भी बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है दैट यू हैव टू पे, एंड मैं उसको लेकर इतना कंफर्टेबल नहीं था टू पे सच अ ह्यूज अमाउंट. सो इसलिए मैंने US कंसिडर नहीं किया, एंड प्लस UK, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे भी यूजली दे हैव हाई फीसेस फॉर टॉप स्कूल्स. So, इसलिए मैं उनको भी डिस्कार्ड कर दिया. Wow, so there comes the question about fees. So, how much are you paying and scholarship के बिना, and with scholarship, how much is the fees difference? So, again, fees depend करता है. From what I've heard, business या management courses के लिए fees comparatively कम होता है. For example, for my particular course, मेरा fees कुछ 120,000 Swedish krona था, which is roughly equal to slightly more than 12,000 euros. But if you go for technical courses, so in that case, tumhari fees can also go up to 180,000 euros. 180,000 Swedish crowns, which is roughly 18,000 euros. So ye bhi matlab 12 se 18,000 euros ke beech mein kind of a bracket rehta hai. But that is specifically for my university. Ho sakta hai ki other universities in Sweden they might have a different fee structure, but mere university ke liye to itna hi hai. Wow, it is pretty affordable. And if you compare this fees with US, it is 10 times less, because 12,000 euros versus, you know, $100,000, jo bahut difference hai, 1.5 crore mark. So on the top of that, aapko direct opportunities milti hai to become a product manager through this entrepreneurship course. So aap batana, job opportunities kaisi hai in Sweden? Like, so mere jo suna hai, because abhi first hand experience nahi hai, but I've met certain people jo ki yahan pe kaam kar rahe hain. So what they have told me is ki if you go for a product management profile, so I think if you have slight experience, okay, in my case, it is mere paas, so you can easily expect to start from 60,000 crowns a month, which is roughly 6,000 euros a month. And you can even go up to, I would say, 100,000 Swedish crowns a month, which is roughly, again, 10,000 euros a month. So if you say the yearly package, then multiply it by 12, so that would become like from 60,000 euros a year to 100k euros a year, itna package yahan pe tum expect kar sakte ho. If you're going into product management profiles, I've heard ki yahan pe finance aur computer science ke jo particular courses hote hain, usme aur bhi zyada scope hota hai, and wahan pe opportunities bhar bhar ke hain, and itna competition nahi hai, kyunki from what I've read and felt, bahut sare Europeans they don't prefer going for some computer science profiles. So majority student jo ki yahan pe aake job vacancies fill karte hain, they come from outside. To us case mein bahut kam competition rehta hai. Medical aur nursing, finance, is samay mein bhi kafi scope hai from what I've heard. And plus Europe mein in general yahan pe environment ya fir development ko leke bahut prioritization milta hai. So if you are going into any course jahan pe ki environmental help ho raha hai ya fir
सस्टेनेबल सिटीज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले जो फील्ड होती है उसमें भी काफी ज्यादा आई वुड से डिसेंट अमाउंट ऑफ पे मिलता है यहाँ पे. Wow, that is really, really good, and it is by far almost like close to US as well. So overall, at less fees, you're getting a lot of opportunities in Sweden. And upar se aapke paas sare gates khul jaate hain. London, Frankfurt, which is like one of the top two financial heads in Europe, wo aapke paas open ho jaate hain. You can directly apply there and sponsorship milna easy ho jata hai, right? करेक्ट करेक्ट. तो यहाँ पे बेसिकली मेजोरिटी ऑफ जो स्वीडिश या फिर जो 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 कंपनीज हैं स्वीडन में दे हैव देयर हेडक्वार्टर्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज. सो फॉर एग्जांपल आइकिया इज अ बिग नेम जो कि यहाँ पे स्वीडन की कंपनी है. स्पॉटिफाई इज अ स्वीडिश कंपनी. सो यहाँ पे दे हैव देयर ऑफिसेस अक्रॉस यूरोप. तो मोस्टली तुम वहाँ पे जा सकते हो आराम से. प्लस बिकॉज तुम यूरोप में हो तो आई वुड से कि एक जर्मन कंपनी में अप्लाई करना बिकम स्लाइटली इजियर बिकॉज तुम कभी भी जाके वहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो. बिकॉज सिर्फ बहुत What I would say 3 घंटे या फिर 4 घंटे की ट्रेन राइड होता है इफ यू वांट टू गो टू जर्मनी. तो इन दैट वे बिकम्स अ लॉट मोर एक्सेसिबल. एंड प्लस इफ यू वांट टू ट्राई फॉर सर्टेन ज्योग्राफीज तो वहाँ पे मार्केट को समझना और उन लोगों का थॉट प्रोसेस समझना इज रियली इंपॉर्टेंट. तो अगर तुम स्वीडन में पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें जर्मनी में फॉर एग्जाम्पल जॉब करना है तो यू मीट अ लॉट ऑफ जर्मन्स हियर. तो यहाँ पे तुम्हें जर्मन साइकोलॉजी या फिर उनका मेंटालिटी समझने में हेल्प हो जाता है. सो व्हेन यू एक्चुअली गो टू जर्मनी एंड यू मीट जर्मन्स देयर तो तुम्हें काइंड ऑफ बॉन्डिंग करने में आसानी होती है. दैट आई गेस इन अ वे दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग अ जॉब इन जर्मनी अगर तुम वहां पे भी प्लान कर रहे हो करने का. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फैक्टर जिसके कारण काफी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई ही नहीं करते टू यूरोप, दैट इज लैंग्वेज बैरियर. सो डिड यू फेस एनी डिफिकल्टी इन योर यूनिवर्सिटी और ओवरऑल इन योर सिटी? सो वन फैक्ट, सो जो नॉर्डिक कंट्रीज है फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, सो इफ यू लुक एट द स्टैटिस्टिक्स तो ये अमंग द टॉप प्रोफिशियंट इंग्लिश स्पीकर्स में आती हैं कंट्रीज जो कि नेटिव लैंग्वेज स्पीकर्स नहीं है. आई गेस शायद स्वीडन फर्स्ट या सेकेंड नंबर पे आता है जहाँ पे कि मेजोरिटी आई थिंक 95% प्लस लोग यहाँ पे प्रोफिशियंट इंग्लिश बोलते हैं. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन का बैरियर कभी नहीं आता है विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश. कोर्स वर्क बिकॉज इंग्लिश में है तो यहाँ पे उसकी तो कोई फाइट है ही नहीं, वो तो अपने आप सॉर्ट हो गया है. फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, इफ यू आर लुकिंग फॉर पार्ट टाइम जॉब्स सो इन दैट वे अगर तुम्हें कोई कस्टमर फेसिंग जॉब है तो पेरेट टू कन्वर्स विद द क्लाइंट. सो इन दैट केस स्वीडिश बिकम्स अ रिक्वायरमेंट. अगर कोई ऐसा जॉब है जहाँ पे कि फॉर एग्जाम्पल डेवलपर राइट जहाँ पे कि तुम अपने आप काम कर सकते हो एंड तुम्हें किसी कस्टमर से बात नहीं करनी है तो उस तरह के पार्ट टाइम जॉब या फिर उस तरह के इंटर्नशिप उसमें लैंग्वेज का बैरियर नहीं आता है. सिमिलरली फॉर जॉब सिमिलर से पैटर्न है. लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ कस्टमर फेसिंग जॉब so in that case Swedish is a requirement and वो तुम्हें आना ही चाहिए. अगर तुम से किसी technical job में जा रहे हो so in that case language is not a problem. या फिर तुम किसी big MNC company में जा रहे हो जहाँ पे कि they operate all their operations in English so in that case भी language का fight नहीं होता है. it becomes quite convenient from that standpoint. wow. एक और चीज मैंने जो सुना है I guess Germans या फिर French people वो लोग अगर तुम उनसे कम्युनिकेट करने का ट्राई कर रहे हो इन इंग्लिश तो यूजली लोग थोड़े अप्रेंसिव होते हैं या फिर तुमसे इतने आराम से बात नहीं करेंगे तुम्हें थोड़ा अलग नजर से देखेंगे कि तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो. तो पर्सनली मैंने यहाँ पे वो एक्सपीरियंस नहीं किया है विद स्वीडिश सिटीजन्स. जो मैंने सुना है नोबडी एल्स हैज एक्सपीरियंस जहाँ पे कि उन्हें कोई दिक्कत आया हो या फिर किसी अलग तरीके से देखा गया हो कि तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो. तो दैट ऑल्सो बिकम्स अ स्लाइट फैक्टर कि यहाँ पे सब लोग थोड़े कंफर्टिंग भी हैं अगर तुम इंग्लिश में बात कर रहे हो. Wow, they're very accepting. That's so cool. Now the final question, like जब आपने एक साल का work permit आपको मिल गया, so how to become like you know permanent resident or settle कैसे हो सकते हैं in Sweden if you want to? Sweden में settle होने के दो रास्ते हैं जो कि मुझे currently पता है. पहला रास्ता तो ये है कि अगर तुम job के through जा रहे हो तो यहाँ पे job का तरीका ये होता है कि अगर तुम 4 साल की job कर लो तुम 4 साल तक स्वीडन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगर तुम 13,500 क्रोनास पर मंथ से ज्यादा कमाते हो फॉर 4 ईयर विच इज लाइक अ रियली स्मॉल अमाउंट. 13,000 कुछ भी नहीं होता है. तो इन दैट केस अगर तुम 4 साल तक इतना अमाउंट कमाते हो तो यू कैन अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंसी. एंड आफ्टर 4 ईयर्स अगर तुम 1 साल और बिता लेते हो विच इज बेसिकली 5 ईयर्स इन टोटल तो यू कैन बिकम अ स्वीडिश सिटीजन. तो 5 साल लगते हैं अगर तुम्हें स्वीडन में सेटल होना है तो थोड़ा काफी कन्वीनियंट है लाइक फ्रॉम इन कंपैरिजन टू यूएस जहाँ पे कि तुम सेटल हो ही नहीं सकते बिकॉज तुम ग्रीन कार्ड का वेट करते रहना होगा तुम्हें मिलेगा नहीं वो तो बहुत लंबा गेम हो जाता है वहाँ पे. 100 ईयर गेम्स मतलब एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको मिलती है दैट इज नॉट पॉसिबल इन द यूएस.
करेक्ट. दूसरा तरीका होता है उसमें तुम यहाँ पे अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो. सो बेसिकली अगर तुम स्टूडेंट में कंपनी स्टार्ट करते हो एंड तुम 2 साल के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हो, अगर तुमने रजिस्टर कर ली कंपनी तुम 2 साल के लिए फंक्शनल हो, तो तुम्हें तुम पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो. तो बेसिकली जब तुम्हें 4 साल लग रहे थे विद जॉब, तुम कंपनी स्टार्ट करके डायरेक्टली 2 साल में पीआर ले सकते हो. ऑल दो तुम्हें जो सिटीजनशिप मिलता है वो 5 साल के बाद ही मिलता है, बट बिकॉज जब तुम्हें पीआर मिल जाता है तो तुम यहाँ पे प्रॉपरली जो भी एक स्वीडिश सिटीजन को जो पर्क्स मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्वीडन में पढ़ने के लिए तुम्हारे हेल्थ केयर फ्री हो जाता है, तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री हो जाती है. जो सर्टेन पर्क्स जो कि स्वीडिश सिटीजन को मिलते हैं तुम उनके लिए डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो. तो तुम यहाँ पे रह के पीआर को मतलब लेने के बाद तुम प्रॉपरली फिर आराम से 3 साल तक अपने सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो 3 साल बाद. That's so amazing because आप किसी और यूरोपियन कंट्री देख लो, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी, आपको जर्मन भी सीखनी पड़ती है, इतने ज्यादा स्टेप्स होते हैं, आपको विद जस्ट इंग्लिश एंड दीज स्टेप्स यू कैन गेट इट. सो अमेजिंग, राइट? करेक्ट. एंड फाइनल टिप्स जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे, लाइक कि हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग कि बाहर जाना है, कैसे चूज करें, तो एनी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव आउट टू स्टूडेंट्स? I would say बाहर जाना is a big step, not just for you, but also for your family, because mostly जो इंडियन लोग होते हैं वो undergrad के बाद में या फिर undergrad से पहले तो zero exposure होता है उन्हें about the world, because हम लोग 12th pass करते हैं directly engineering या फिर अपने किसी undergrad में घुस जाते हैं, and usually लोग या तो directly masters के लिए चले जाते हैं within India या फिर job करने लग जाते हैं. तो कभी भी वो sense of comforting नहीं मिल पाती हमें as humans कि हम अपना को एकदम explore करा हो हमने, या फिर हम as humans comfortable हो गए हो about ourselves. तो I would say कि थोड़ा initially overwhelming लग सकता है कि तुम बाहर जा रहे हो, but ऐसा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी लोग humans हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो तुम you can easily communicate with people, तो वो दिक्कत नहीं होती है. What I would suggest is कि अगर तुम बाहर जाने का plan कर रहे हो तो you start early, because usually ऐसा होता है कि there are a lot of scholarships, there are a lot of deadlines, जो कि तुम्हें अगर तुम last moment पे करना start करोगे तो या तो बहुत hodgepodge कर दोगे या फिर तुम certain deadlines miss कर जाओगे. सो फॉर एग्जाम्पल आई नो की सर्टन ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिनकी डेडलाइन 1 साल पहले होती है फ्रॉम योर कोर्स की स्टार्टिंग. तो अगर तुम 6 महीने पहले करना सोचना स्टार्ट कर रहे हो तो तुमने वो स्कॉलरशिप तो मिस कर दिया, राइट? एंड कुछ ऐसे चीजें जो कि तुम लोगों से पूछ के या फिर तुम लोगों से जान के अपनी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग करने में लगा सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज कमिंग हियर तो मैंने बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ रहे थे उनसे मैंने बातचीत किया था, मैंने उनको अपना SOP भेजा था कि पढ़ने के लिए रिव्यू लेने के लिए, एंड उनको मैं इनकॉर्पोरेट भी कर पा रहा था इन माय एप्लीकेशन. अगर तुम्हारे पास एक टाइम पीरियड का क्रंच हो जाए तो यू कांट डू ऑल ऑफ दिस, तो तुम हफड़ाफड़ी में लग जाओगे, तो डोंट डू दैट. सर्टेन फैक्टर्स जो तुम पहले ही सॉर्ट कर सकते हो जो कि बाद में यूज होने ही होने हैं, फॉर एग्जाम्पल जो IELTS स्कोर या फिर अगर तुम US जा रहे हो तो तुम्हारा GRE का स्कोर, आई वुड से कि तुम उससे पहले ही निपटा के साइड कर दो, बिकॉज यूजली ऐसे लगता है कि SOP लिखना या फिर स्कॉलरशिप के लिए मोटिवेशन लेटर लिखना या फिर इंटरव्यूज देना अगर तुम किसी बड़े स्कूल में जा रहे हो तो वो थोड़े कम काम लगते हैं, बट बहुत बड़े काम होते हैं. लाइक आई नो पीपल जो कि 1 महीना 2 महीना से SOP लिखने में लगा देते हैं या फिर 15-20 दिन से तुम्हारा स्कॉलरशिप का मोटिवेशन लेटर लिखने में लग जाता है. तो आई वुड से कि टाइम रखो अपने पास में, ऐसे तुम चीजों को प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे टू फिगर आउट. Yep, that's an amazing tip. I definitely agree. Most of the students, when in last moment पता चलता है कि हाँ अब मुझे apply करना चाहिए, I'm not getting the growth in my career, तो तब mind में आता है, in that crunch तो हो नहीं पाता. I definitely agree. So thank you so much, Sahil, for sharing your valuable information. I will recommend all of you to reach out to him on LinkedIn या फिर email for any doubts related to University of LUND Sweden.